हाँ पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। अरे जो आज का टॉपिक है हाँ जो लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर परचेज इन ओपन मार्केट। अरे जो लास्ट टॉपिक बचा है परचेज इन ओपन मार्केट। तो अगर हम बात करें परचेज इन ओपन मार्केट की तो हम अपने डिबेंचर मार्केट में परचेज कर लेते हैं। एक सेकेंड अब जो इसमें ना लास्ट टॉपिक बचा है परचेज इन द ओपन मार्केट। अगर हम परचेज इन द ओपन मार्केट की बात करें अपने ही डिबेंचर्स हम मार्केट में परचेज कर लेते हैं तो अपने ही डिबेंचर मार्केट में परचेज कर लेते हैं तो दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, दो पर्पस के साथ परचेज कर सकते हैं। एक एज ए इन्वेस्टमेंट, एक बच्चों एज एन इन्वेस्टमेंट एक एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं और एक क्या करते हैं एज एन फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन परचेज कर लेते हैं। एक कर लेते हैं फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, तो जो एक एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं और एक एज एन इमीडिएट कैंसिलेशन परचेज कर लेते हैं। अगर एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो एंट्री आती है ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अगर एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो एंट्री आती है जो ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। अगर एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो एंट्री क्या आती है ओन डिबेंचर डेबिट टू ठीक है जो एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो एंट्री आती है ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। लेकिन जो अगर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और उसके बाद ना इसमें दो पर्पस हो सकते हैं। हमने रीसेल कर दिया एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज किया, मान लो हमने 100 रुपये के डिवेंचर्स 90 में परचेज किए, 100 रुपये का डिवेंचर 90 में परचेज किया तो एंट्री आएगी ओन डिवेंचर टू बैंक। ठीक है मार्केट में खरीद लिए, दो केस हो सकते हैं, एक मिनट दो केस हो सकते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, मान लो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है 100, फेस वैल्यू डिवेंचर है 100, फेस वैल्यू डिवेंचर है 100 एक ना फेस वैल्यू डिवेंचर है 100 ठीक है और हमने खरीदे मान लो 90 में खरीदे थे, हाँ 90 में खरीद लिए हमने ना ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदे 90 में परचेज फॉर 90। जब आप परचेज करोगे ऐसा इन्वेस्टमेंट तो एंट्री क्या आएगी ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री आएगी जो एज ए इन्वेस्टमेंट आप परचेज करोगे तो एंट्री आएगी ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। समझा की बात, फिर जो अगर आप इसको रीसेल कर दो, दो चीजें हो सकती हैं, आप इसे रीसेल कर दो। अगर आपने रीसेल कर दिया, अब रीसेल मान लो 90 की चीज कितने में रीसेल कर दी, एक चीज हो सकता है 92 में रीसेल कर दी, पर एक हो सकता है रीसेल कर दिया आपने 88 पे, एक चीज हो सकती है आपने रीसेल कर दी 92 में और एक चीज हो सकती है रीसेल कर दी आपने 88 रुपीज में। अगर वो जो यहाँ पे हम 90 की चीज 92 में रीसेल कर रहे हैं, 90 की चीज 92 में रीसेल कर रहे हैं तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर 2 रुपये का जो प्रॉफिट हो गया, ये 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया वो कहाँ जाएगा स्टेटमेंट पी अकाउंट में जाएगा। यानी कि अगर आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदा था तो जो प्रॉफिट हुआ
वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने 90 से 88 में बेची तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, ये लॉस कहाँ जाएगा? पी राउंड के डेबिट साइड में जाएगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जो हमने डिबेंचर खरीदे 90 रुपीज के, हमने डिबेंचर कितने खरीदे हैं? 90 रुपीज के। हमने वो डिबेंचर क्या कर दिया? रीसेल कर दी। क्या कर दी? हाँ, तो रीसेल कर दी। तो अगर हमने हमने जब खरीदे थे तो एंट्री की थी ओन डिबेंचर टू बैंक, और हमने रीसेल कर दी, कितने में रीसेल कर दी? 92 में। तो 92 में रीसेल कर दी तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 92 टू ओन डिबेंचर टू स्टेटमेंट ऑफ पी अकाउंट 2 रुपये। लेकिन अगर आपने रीसेल कितने में किया? 88 में किया, तो आपको 2 रुपये लॉस हो गया, लॉस जाएगा पी अकाउंट में। कहाँ जाएगा? समझ की बात बच्चों की नहीं आई? अगर बच्चों क्या हो गया होता है कि अगर ऐसे हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे लेकिन बाद में मन कर गया कि इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन कहेंगे इसे, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स यानी रिडम्पशन बाय कैंसिलेशन कहते हैं इसे, कि हमने पहले तो खरीदे थे ऐसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेकिन फिर क्या कर दिया? कैंसिल कर दिए, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स कर दी। पहले तो ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदे थे लेकिन हमने क्या कर दिया? कैंसिलेशन कर दी। क्या कर दी? तो क्या एंट्री आ जाएगी? अब कैंसिलेशन कर दी तो एंट्री आ जाएगी डिबेंचर डेबिट, ओन डिबेंचर खत्म, 90 के। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट कैंसिलेशन होता है कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं, क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? एमसीक्यू आ सकते हैं, हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदा था फिर उसका रीसेल कर दिया, उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में जाएगा। हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदा था लेकिन हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझा की बात? अब जो देखो दूसरा पर्पस क्या होता है, हमने इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे हैं। तो अगर आपने इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे हैं, अगर आपने इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे तो क्या एंट्री आएगी? डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। अगर आपने इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे हैं तो क्या एंट्री आएगी? डिबेंचर डेबिट हो जाएगा टू बैंक। आपने कितने के दिए पैसे? 90, और जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर आपने इमीडिएट कैंसिलेशन के खरीदे हैं तो एंट्री आएगी डिबेंचर डेबिट टू बैंक, और जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गया?
एक मिनट जो, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है सर, ओके सर, क्वेश्चन लिखो उसे क्लियर करते हैं, फिर चैप्टर खत्म है, यही समरी है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया, 10% डिवेंचर्स हो 1 लाख, 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 1 लाख, 10% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, 10% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए की, सॉरी 1 लाख फेस वैल्यू है 100 रुपीज की, फेस वैल्यू है 100 रुपीज की, परचेज 4 रुपीज, परचेज 4 रुपीज 90, हमने 90 रुपीज के परचेज किए हैं, परचेज हो 90। अब इसमें दो पर्पस है बच्चों, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस तो क्या एंट्री आएगी, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस तो एंट्री आएगी भैया, 1 लाख का डिवेंचर है, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे 1000, तो 1 लाख का डिवेंचर है, एक डिवेंचर है 100 रुपये के, 1000 डिवेंचर आ जाएंगे, परचेज कितना कर लिए 90 में, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एक डिवेंचर है 100 रुपये का, एक डिवेंचर 100 रुपये का, 1 लाख का डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपये का, नंबर डिवेंचर आ जाएंगे 1000, नंबर डिवेंचर आ जाएंगे 1000, हमने कितने परचेज किए 90 के, हमने परचेज किए 90 के, तो 90,000 हो जाएगा। एक पर्पस हो सकता है जो एज एन इमीडिएट कैंसिलेशन, हाँ सर, अभी एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, 1 लाख वाले डिवेंचर 90 में खरीदे एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में, ओन डिवेंचर डेबिट बैंक हो जाएगा, लेकिन अगर हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा इमीडिएट कैंसिलेशन खरीदे हैं, ऐसा इमीडिएट कैंसिलेशन खरीदे हैं, अगर हमने ऐसा इमीडिएट कैंसिलेशन खरीदे हैं, तो एंट्री आएगी डिवेंचर डेबिट विद द फेस वैल्यू, डिवेंचर डेबिट विद द फेस वैल्यू 1 लाख, अगर ऐसे इमीजिएट कैंसिलेशन कर दिया, एंट्री आएगी डिवेंचर डेबिट टू ओन डिवेंचर्स, कितना 90 में, नहीं सॉरी टू बैंक, सॉरी टू बैंक, टू बैंक आएगा, टू बैंक आ जाएगा 90, और हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये जो हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं, अब इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं, एक केस हो सकता है
एक हमने नहीं जो ऐसे इन्वेस्टमेंट किए थे बाद में रीसेल कर दी, मान लो हमने ये इन्वेस्टमेंट रीसेल कर दी, लेट से कितने में, दो केस हो सकते हैं, रीसेल कर दिया आपने 88 में 88 रुपीज़ के हिसाब से, और एक रीसेल कर दिया हमने 92 के हिसाब से, एक केस हो सकता है जो 88 में भेज दिया, एक केस भेज दिया 92 में भेज दिया। अगर हमने अपने ही डिबेंचर्स 90 के 88 में भेज दिए तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 88 टू ओन डिवेंचर्स, लॉस हो गया हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स, ओन डिवेंचर कितने चले गए, सॉरी 88 में बेचे ना, 1000 डिवेंचर 88 में बेचे, बैंक अकाउंट डेबिट 88, ओन डिवेंचर कितने खरीदे थे 90 के खरीदे थे, कितने का लॉस हो गया, 2000 का लॉस हो गया। लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में जाएगा। उसके बाद जो अगर मान लो हमने क्या खरीदा, अगर हमने कितने में खरीदा, 92 में खरीदा, हाँ सॉरी बेचा 92 में बेचा, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 टू ओन डिवेंचर 90, टू ओन डिवेंचर 90, और 2000 क्या हो गया, 2000 में प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? स्टेट में, पी अकाउंट में, वो भी स्टेट में, पी अकाउंट में आएगा, लॉस भी। लेकिन जो अगर आपने क्या किया, खरीदा तो ऐसा इन्वेस्टमेंट था, खरीदा तो ऐसा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिए, अब कर दिए कैंसिल, अब आपने कैंसिल कर दिया तो क्या एंट्री आएगी? डिबेंचर डेबिट हो जाएगा विद द फेस वैल्यू, डिवेंचर डेबिट हो जाएगा विद फेस वैल्यू 1,00,000, टू ओन डिवेंचर्स 90, टू ओन डिवेंचर 90, और प्रॉफिट ये कहाँ जाएगा, कैपिटलिज्म में जाएगा, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटलिज्म में जाएगा। तो जो आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, तो ये चार्ट अच्छी तरह याद कर लेना, एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा ये प्रॉफिट कहाँ जाता है। तो जो ये चैप्टर यही था, खत्म करा दिया मैंने, सेकेंड क्लास इन्होंने नहीं ली, प्लीज़ वीडियो देख लेना, चैप्टर खत्म है। मैं कल आपको एमसीक्यूज भेज दूंगा या अभी भेज दूंगा, ठीक है, मेरी तरह चैप्टर खत्म है। तो कल से हम पुराने चैप्टर शुरू कर देंगे, नहीं कल बीएसटी किया, कल बीएसटी किया, ठीक है जी, ये चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से, ठीक है, कल से हम बीएसटी का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, ये चैप्टर मैंने खत्म करा दिया।